जय हिंद दोस्तों। अक्सर आप खबरों में सुनते होंगे कि आज मुंबई की पावर ग्रिड को रुकने के कारण यहां पर लंबे समय तक बिजली सप्लाई गुल रही, किसी और शहर की पावर ग्रिड खराब होने के कारण बिजली सप्लाई में रुकावट आई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये पावर ग्रिड होती क्या है? तो दोस्तों, अगर इसका जवाब ना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ये पावर ग्रिड क्या होती है, कैसे ये पावर ग्रिड काम करती है और आखिर कैसे इसके फेल होने से किसी भी एरिया की पावर सप्लाई यानी कि बिजली गुल होने का क्या कारण बनता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों ऐसे में आज हम सभी जानते हैं कि जो ये बिजली है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमारे जीवन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिससे आज हम अपने रोजमर्रा के जरूरी कामों को कर पाते हैं। और अगर ये किसी भी तरीके से प्रभावित होती है तो इससे हमारा जीवन एक तरीके से रुक सा जाता है। ऐसे में दोस्तों ये जो पावर ग्रिड है, ये इस बिजली को, ये इस इलेक्ट्रिसिटी को हम तक पहुंचाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करती है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पावर ग्रिड होती है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का एक नेटवर्क होता है जो कि तीन अलग अलग फेजेस में काम करता है। इसका जो सबसे पहला फेज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले फेज में यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट किया जाता है। फिर चाहे वो किसी डैम के जरिए, किसी कह सकते हैं पानी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना हो, किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना हो, या फिर कोयले के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना हो, ये आता है सबसे पहले फेज में, सबसे पहले चरण में। इसके बाद आता है हमारा दूसरा चरण, जिसको हम कहते हैं पावर ट्रांसमिशन। जी हाँ दोस्तों, जब एक बार बिजली को बना लिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को बना लिया जाता है, इसके बाद इसका जो काम होता है वो ये होता है कि जहां पर इसको बनाया गया है, जिस प्लांट पर इसको बनाया गया है, वहां से इसको ट्रांसमिट करना, वहां से इसका ट्रांसमिशन करना अलग अलग शहर, अलग अलग शहरों के जो पावर स्टेशन हैं, जैसे दिल्ली का अलग पावर स्टेशन है, हरियाणा का अलग है, यूपी का अलग है, ऐसे में अलग अलग राज्यों के अलग अलग पावर स्टेशन को पहुंचाने का काम करता है ये दूसरा फेज, जिसको हम पावर ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा फेज होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने बिजली बना ली, उसको पावर स्टेशन तक वहां से पहुंचा दिया। अब जो फाइनल स्टेज होता है कि उस बिजली को जो बनाने का मेन मकसद है लोगों तक पहुंचाना, ये है हमारा फाइनल स्टेज, जिसको हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बिजली के वितरण के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो पावर स्टेशन होते हैं अलग अलग शहरों के या फिर गाँव या कस्बों के, वहां से उस बिजली को छोटे छोटे खंभों के जरिए यहाँ पर घरों तक, ऑफिसों तक और जो कारखाने हैं वहां तक पहुंचाने का काम करता है ये तीसरा फेज, जिसको हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों जब भी ये तीनों जो फेज हैं, तीनों ये चरण हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पावर ग्रिड। अब दोस्तों ऐसे में आज हमारे भारत के अंदर कुल 5 पावर ग्रिड्स हैं, यानी कि 5 पावर ग्रिड्स हैं जो भारत के अंदर आज के समय में काम कर रहे हैं। अब दोस्तों आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर कैसे ये पावर ग्रिड फेल होती है और क्यों इससे बिजली गुल होती है, तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब ये है कि कोई भी जो पावर ग्रिड होती है, जो काम करती है बिजली को या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते करके, उसको ट्रांसमिट करके, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, उसकी एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी होती है इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने की। यानी कि बिजली को जब एक से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, एक पर्टिकुलर वोल्टेज होता है, जैसे जो एक नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है किसी भी पावर ग्रिड की, वो होती है कम से कम 49.5 हर्ट्ज की, और जो हाईएस्ट होती है वो होती है 50 हर्ट्ज की। तो दोस्तों अगर किसी भी कारण से अगर ये फ्रिक्वेंसी 49 से नीचे जाती है या 50 से ऊपर जाती है, तो यहाँ पर पावर ग्रिड के फेल होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसके कारण जो बिजली की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये पावर ग्रिड क्या होती है, कैसे ये काम करती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज मिली हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ को फ्यूचर में देखने के लिए।